मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को अपना लगातार सातवां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। आम चुनावों के बाद आने वाले इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बार के चुनाव परिणामों में केंद्र में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज रही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा है। सत्ताधारी दल की सीटों में कमी का सबसे बड़ा कारण जनहित के मुद्दों पर केंद्र की अनदेखी को माना जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसान वर्ग की। जरा देखिए किसानों के लिए क्या हो सकता है, कृषि क्षेत्र को बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले किसानों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि से जुड़े विभागों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और उनके सुझाव लिए। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों को मजबूत बनाने के लिए उनके विचार समझे। उदारीकरण के बाद से केंद्र सरकारों का पूरा ध्यान बाजारों और बड़ी कंपनियों के विकास पर केंद्रित रहा है। इसका असर ये हुआ कि देश का बहुसंख्यक युवा आज भी बेरोजगार है। किसानों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है। इसका असर हुआ है कि रोजाना किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। वो मजदूर के रूप में जीवन यापन करने को मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि देश की आर्थिक तस्वीर बदलनी है तो केंद्र सरकार की प्रमुखता में कृषि होनी चाहिए, जो देश की लगभग 60% आबादी के जीवन यापन का मुख्य जरिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाकर किसानों को बड़ी मदद दी जाए। बजट का वित्तीय निवेश आबादी के अनुपात में होना चाहिए। देश का आधा बजट देश की आधी आबादी पर खर्च होना चाहिए। इस दृष्टि से देश का आधा बजट देश के किसानों पर, इससे न केवल देश के सभी किसानों को MSP दिया जा सकता है बल्कि इससे युवाओं महिलाओं को रोजगार भी दिया जा सकता है, जो कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। केंद्र सरकार का पिछला बजट लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का था। पूरे देश के किसानों के लिए इसमें से केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किए गए थे। इसमें से भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए दिया गया था, जबकि केंद्र सरकार का ध्यान पूरी कृषि को मजबूती देने की ओर होना चाहिए। उनका मानना है कि हर महीने 500 रुपए के करीब नकद सहायता देकर किसानों या कृषि की आर्थिक स्थिति नहीं बदली जा सकती। कृषि मामलों के विशेषज्ञ पी साईनाथ का मानना है कि हर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, इसी क्रम में किसानों के लिए फसल उत्पादन की कीमत अधिक बढ़ गई है कि अब कृषि एक घाटे का सौदा बन चुका है। इससे पूरे देश का किसान लगातार कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है।